प्रदेश के साथ साथ सोलन जिला में भी पंचायत चुनावों में महिलाओं ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। रविवार देर शाम विकास खंड सोलन में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव परिणाम घोषित हुए। पंचायत चुनावों में ग्राम पंचायत सपरून से प्रधान पद की उम्मीदवार रेणु देवी ने जीत हासिल की। रेणु देवी ने 60 वोटों से जीत अपने नाम की है। जिला सोलन की ग्राम पंचायत सपरून से प्रधान पद पर रेणु देवी ने विजय पताका फहराया है। उनके साथ दो महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी, लेकिन दोनों उम्मीदवारों को पटखनी देकर रेणु ने जीत हासिल की है। वहीं उप प्रधान पद पर विक्रम मेहता ने 3 उम्मीदवारों को पटखनी देकर जीत अपने नाम की है। नवनिर्वाचित प्रधान रेणु देवी ने मीडिया से बातचीत के दौरान सपरून पंचायत की जनता का प्यार और स्नेह देने पर आभार व्यक्त किया। इस दौरान रेणु ने कहा कि सपरून पंचायत के लोगों ने जो विश्वास उन पर जताया है, उस पर वे खरा उतरने का भरसक प्रयास करेंगी ताकि क्षेत्र में चहुमुखी विकास हो सके। लोगों ने जो मुझे सहयोग दिया है, मैं उनका सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। समस्त पंचायत देहूं पटगल पूरा मेरी सपरून पंचायत की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मैं उनकी उनकी कसौटियों पे खरा उतरने की का प्रयास करूंगी। और समस्त मैं जो भी इस कौम की समस्या है वो उनकी सुनूंगी भी और पूरा उस पे काम भी करूंगी। उनकी जीत के बाद क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं नवनिर्वाचित उप प्रधान विक्रम मेहता ने कहा कि सभी लोगों को साथ लेकर सपरून पंचायत के विकास कार्यों को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पिछले विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा ताकि ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सके। उप प्रधान पद के लिए जो है मैं जो चुना गया हूँ और मैं इसके लिए सपरून वासियों की समस्त जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। इसके साथ साथ जो है मेरी इसमें प्राथमिकताएं जो मेरी रहेगी, इसमें सबसे पहला कार्य जो मेरा रहेगा उसमें एक मेरा गांव पटगल गांव आता है, उसमें जो है वहां पर उनको बिजली और पानी की बड़ी समस्या है। उनके पास अभी भी सिंगल फेस लाइन यूज करते हैं वो, और उसमें पानी की बड़ी दूर दिक्कत है, उनको बड़ी दूर से पानी लाना पड़ता है। तो सबसे पहला कार्य मेरा यही रहेगा कि वहां पर मैं 3 फेस की लाइन का जो है उनके लिए प्रावधान कर सकूँ और साथ ही पानी का भी इंतजाम कर सकूँ। इसके साथ साथ में जो है हमने महिला मंडल का भी यहाँ पर जो है निर्माण कराना है। इसके साथ में हमारे को एक यहाँ पर वेटनरी हॉस्पिटल भी चाहिए जो हमारी यहाँ की आवश्यकताएं हैं। और इसके साथ साथ में जो है हमने यहाँ जो हमारा कार्यालय है वो भी रिबॉन में चला गया है, तो सबसे पहले उसके बाद हमारा ये भी रहेगा कि उसको हम यहीं जो है सेंटर पॉइंट जहाँ दीऊ घाट या सपरून के सेंटर में कहीं जो है उसको हम शिफ्ट करें ताकि हमारे को दूर ना जाना पड़ सके। साथ में सफाई जो है यहाँ कर सफाई की व्यवस्था भी पूरी करनी है हमें यहाँ पर, और इसके साथ साथ जो भी जनता हमारे को कोई भी कार्य बोलेगी उसके लिए हम वचनबद्ध रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।